सच में तुम क्या बोलना है? रास्ते में सोचते हुए आपसे बोलना क्या है? सारे विद्वान लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे विशेष धन्यवाद करता हूँ इसलिए सचिनंदन प्रेम प्रभु को, उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया है आप भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए, इसलिए विशेष धन्यवाद हृदय से, और आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आप सब अपना एक टॉलरेंस पावर या सहनशीलता का जो गुण है वैष्णव का या क्षमाशीलता का, उसका प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए। देखिए अभी से मेरी आवाज बंद की जा रही है। ओम ज्ञानानंद निराभ्यस्य ज्ञानांजनाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति सर्वकलांतिकम्। वंदे अहं श्रीगुरौ सीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। कात्यायन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिभे। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमामि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष स्मृति आशापति। हरे कृष्ण। और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपका ये साई बाबा एक्सटेंशन सेंटर सब ये प्रीचिंग सेंटर हो गया है, और ना कि ये सेंटर का प्रमोशन हुआ है, आप सबका इसमें प्रमोशन हुआ है। और हमारे सचिनंदन प्रेम प्रभु सेंटर मैनेजर से जनरल मैनेजर बन गए हैं, मींस अपकमिंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, क्योंकि जो लीडर जिस सेंटर को मैनेज कर रहे होते हैं वो प्रेसिडेंट ही है। अलग बात है मैनेजरी चीज़ें चलती कैसे है वो। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि जब सचिनंदन प्रेम प्रभु आए थे तो वहाँ पे कुछ 10 भक्त बैठे थे याद है, और ऐसा सचिनंदन प्रभु के बिहाफ में मैंने बोला था कि इसको 6 महीने में हम प्रीचिंग सेंटर बनाएंगे, लेकिन वो IST था। आईएसटी मतलब जानते हैं आप, इस्कॉन स्टैंडर्ड टाइम। 6 महीना लगवा था, 1 साल भर लग गया, लेकिन साल भर में एक्सटेंशन सेंटर से प्रीचिंग सेंटर होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें क्रेडिट आप सबको जाता है, सारे भक्तों को, क्योंकि
अकेला तो कोई भी चीज अचीव नहीं किया जा सकता, किसी की बस का नहीं है। तो आप सब अपने एक दूसरे के लिए हरि बोल तो मोदी से उत्साह से, और ये तभी संभव होता है कोई भी चीजों को अचीव करना, भक्ति में आगे बढ़ना या किसी भी सेवा को करना, जब आपस में एकता हो, यूनिटी। यूनिटी तब होगा जब आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा या सम्मान होगा, वही एकता तब आएगी। या फिर वो दृष्टि हो जिस दृष्टि से आप देखें कि नहीं सामने वाला वैष्णव है, लेकिन होता अपोजिट है नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं इस कार्यक्रम में? सचिनंदन प्रेम प्रभु सबका चेहरा देख लीजिए, आप स्पेशली इनसे मिलिए प्रोग्राम के बाद। आप सब सचिन, आप जितने लोग पहली बार आए सचिनंदन प्रेम प्रभु जानते हैं? नहीं जानते, थोड़ा इधर आ जाइए। इसीलिए ये हमारे बॉस हैं सचिनंदन प्रेम प्रभु। जो भी आप पहली बार आए हैं, आपसे निवेदन है कि वो इस प्रोग्राम के बाद इनसे पर्सनली मिलिएगा। ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट रखे होंगे। काशी प्रसाद तो होगा ही, साथ में कुछ और भी हो सकता है, सरप्राइज है, वो देना नहीं चाह रहे अभी हम लोग। नहीं, पहली बार है तो ग्रैंड वेलकम होना चाहिए, कुछ प्रभुपाद का बुक ऐसे कुछ। तो जो पहली बार आए उनका, जो बहुत दिनों से आ रहे हैं या बहुत बार आ चुके हैं, वो सब जोर से जो पहली बार आए उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल। हमारे घर में नए मेहमान आए, नए मेहमान का जोरदार स्वागत कीजिए, बहुत स्वागत। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, आपस में एक दूसरे को जब तक हम भक्त नहीं समझेंगे तब तक वो यूनिटी नहीं आएगी। लेकिन समझे कैसे? जब शुरुआत में आते हैं, जैसे कि आज जो चार पांच भक्त पहली बार आए हैं प्रभु जी या माता जी, एक अलग लग रहा होगा, नहीं कौन सी दुनिया है ये, सारे चंदन तिलक लाल कपड़े वाले एकदम मंगल ग्रह से आए हैं, बाबा जी मीन्स तो दाढ़ी हो जटा जूट तिलक तो साफ एकदम अलग अलग लग रहा होगा, लग रहा है थोड़ा यूनिक सा, नया जगह, इधर भी कोई हाथ उठाए थे, नया नया जगह लग रहा है, सारे महान लग रहे होंगे, सब महान महात्मा महाजन सब है, ऐसी कुछ फीलिंग लग रही होगी, जरा से कुछ नहीं, ऐसा हो रहा होगा ना थोड़ा सा, सही बोल रहा हूँ? क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल ग्रुप, बैठे ऐसे कुछ लग रहा होगा, नहीं यहाँ कुछ टकरा पैर ना लग जाए, बहुत ही रिस्पेक्ट का जो लेवल है एकदम हाईएस्ट है, एकदम सत्य लोग तक पहुंच रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम रेगुलर होने लगते हैं, आने लगते हैं, तो वो फिर पाताल लोग, सही बोल रहा हूं? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? कुछ न ले, यही दुर्भाग्य है। होता क्या है कि जैसे हम पास में रहने लगते हैं, समय बिताने लगते हैं, दूसरे के अंदर कमियों को देखना शुरू करते हैं, जो कि देखना क्या चाहिए, अच्छा नहीं, गुणों को देखना चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? पहले दिन तो गुण दिख रहा था, उसके बाद तो गुण दिखता नहीं है, क्यों नहीं देखते? हजार कमियां ही कमियां, गुण हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा क्या है? भ्रम है। भगवान बनाए हैं, पक्का कुछ ना कुछ डाले होंगे। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा जीवात्मा नहीं है जो भगवान के द्वारा बनाया हो, उसकी बात करो, मनुष्य के द्वारा नहीं, भगवान ने जो बनाए उसके अंदर कुछ न कुछ एक विशेषता है, वो चाहे खास है या विशाल पेड़ है या कुछ हमारे लिए जंगल है, लेकिन वो सब कुछ न कुछ, वो या तो किसी का भोजन है या किसी औषधि है, घास फूस भी, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ विशेष है। और इसी विशेषता को बताते हुए बहुत ही फेमस श्लोक भगवान भगवत गीता में बताते हैं। बात करते करते मेरे दिमाग में आया था तो सोचा उसी पर चर्चा कर लेते थोड़ा, हो क्या सही रहेगा? 9.30 कितने लोगों को याद है?
नौवें अध्याय का 30वां श्लोक, अपि चेतसो दुराचारो भस्ते मा अनन्य भाव। साधुरे वही मंतव्य। इसमें भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है, जगन्य से जगन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। और हम लोग इसी टीचिंग में क्या है, क्लीन बोर्ड फेल हो चुके। आप में से कितने लोग हैं जो हर संडे को आते हैं? अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। आप में से वो लोग हाथ उठाएंगे जो सब महीने के दो संडे तो अटेंड कर ही लेते हैं, मतलब फिक्स हो रहा। अच्छा, करना क्या चाह रहे हैं बाबा? मैं उसी हिसाब से बोलूंगा ना, ऑडियंस के हिसाब से वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कुछ भी हो जाए, आग बरसे, तूफान हो, बारिश हो, महीने में एक संडे ऑफिस अटेंड करना ही करना है? अरे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, उसी हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है, कौन साधु। क्यों साधु क्यों मानना है? मदई मान लीजिए, जगन्य से जगन्य कर्म कर दिया लेकिन वो भक्ति में लगा हुआ है, फिर भी उसको साधु मानना है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। यदि साधु है तो जगन्य कर्म कैसे करेगा? यदि जगन्य कर्म कर रहा है तो साधु कैसे होगा? पहले तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या बताते हैं? 8:30 बजे तक है, 8:30 तक है, ऊपर नीचे चलेगा, मतलब IST। अनुवाद ध्यान से, तात्पर्य ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य बता रहे हैं। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के जीव नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भीगी रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत के अनुभूति के प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठते हैं, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि लाइसेंस मिल जाता है। भौतिक कर्मस इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना भक्ति योग कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है।
से भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात चित होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त के समावनामृत पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही देववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो, साधु रेव सब अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश से अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है, भगवती च हरावन्य चेता भृषमन्लीनो अपि विराजते मनुष्य नहीं सशक्त दुष्ट छवि कदाचित तिमीर परा भवता मुपेति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य का पाया जाए तो इस कार्य को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। क्या एनालॉजी है, ये प्रभुपाद है। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता है। किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। लास्ट में वो टाइट करवाएं। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। सबको समझ में आ गया होगा, आ गया ना? और फिर कथा ये खत्म कर क्या कंटिन्यू करना। इसी पे कथा याद आ गई मुझे। एक बार एक स्वामी जी को बुलाया गया कथा करने के लिए। सुने होंगे आपने शायद ये स्टोरी, सुने हैं सब? सबने सुना है ना? कितने लोगों ने नहीं सुना है? तभी सुना बहुत जबरदस्ती तो स्वामी जी को बुलाया वाला कथा करने के लिए। बोले क्या बताएं, कुछ श्लोक उन्होंने बोला। बोले कि कितने लोगों को समझ में आया? तो हाँ, सब ने हाँ कर दिया। बोले समझ में आ गया तो फिर मुझे क्यों बुलाना, जा। तो दूसरी बार फिर उनको बुलाया। बोले कि इस बार तो गड़बड़ नहीं करना, प्लान करके बैठे। बोले आधे लोग हाँ बोलेंगे, आधे लोग ना बोलेंगे ताकि कुछ चर्चा हो। फिर आया, बोले कितने लोगों को समझ में ये चीज पता है? तो कितने लोगों को पता है? बोले जिसको पता है, वो जिसको नहीं पता उसको बता देना, मैं चल रहा हूं। कहने का मतलब यदि सब समझ में आएगा तो बिना मतलब टाइम बर्बाद क्यों करना। तो यहाँ पे अपि चेतसु दुराचारो, दुराचार मतलब अनंत अत्यंत घृणित कार्य, भजते माम अनन्य भाव। इस अनन्य भाव के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ बता रहे, प्रयास करते हैं। क्या बताते हैं कि अनन्य भाव का मतलब यह है कि अनन्य मतलब और कोई अन्य नहीं। किस मामले में, उसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं उसके बारे में कि मेरे अतिरिक्त किसी और का नहीं। भगवत गीता में एक और श्लोक है ऐसे ही, कौन सा श्लोक?
बोली बोली जोर से, वो जो अनन्य है ना अन्य, भगवान का जो मैसेज है उसको विश्वनाथ चौधरी ठाकुर क्या बता रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं का भजन नहीं करता है कौन, भगवान के भक्त। क्या बोले, भजते अनन्य भाव। तो जो कोई व्यक्ति किसी और धार्मिक क्रियाकलाप कर्म कांड ज्ञान कांड ध्यान ये सब सबसे परे है, इसमें वो नहीं घुस रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जिंदगी नहीं जी रहा है, वो किसके अकॉर्डिंगली जिंदगी जी रहा है, भक्ति योग किसी और योग के पद्धति को नहीं फॉलो कर रहे हैं। वही बता रहे हैं कि भगवान बता रहे मेरे अलावा किसी और देवी देवता को जो नहीं भजता है, किसी कर्म आदि का अनुष्ठान नहीं करता है, मेरी प्राप्ति कामना के अतिरिक्त राज्य सुख आदि कोई कामना नहीं करता है वह साधु। मीन्स आप यदि भक्ति कर रही हैं या कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि माला करते समय कुछ ना कुछ मटेरियल तो डिमांड हम करते ही हैं भगवान से, हाँ चाहे जो भी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके हो या जॉब को लेकर के हो या बिजनेस को लेकर के हो या हेल्थ को लेकर के हो। इस ग्रेस पंकज आंगड़ी प्रभु और जननिवास प्रभु से एक बहुत ही वरिष्ठ प्रश्न बात कर रहे हैं, बोले माला में टेस्ट कैसे आएगा, ज्यादा माला करने से माला में टेस्ट आएगा, जनरली यही वैसे सुनते हैं। तो जननिवास प्रभु बोले ऐसा नहीं, तो ऐसे यही सोच रहे थे कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ाएंगे तो अपने आप क्वांटिटी बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं, तीन चीज क्या करना है, प्रयास करो ध्यान पूर्वक जप करने, सबसे पहले तो कृष्ण को सम्मान दो क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। जैसे हम जप करने के लिए बैठे या कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो बातें किसकी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से ऐसे संबंधित चर्चा करते किसका इंस्ट्रक्शन है, ये कृष्ण की वाणी है जिसको हम लोग दोहराने का प्रयास कर रहे हैं आचार्यों के माध्यम से हम तक पहुंचा और हम फिर आगे प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्ण को सम्मान करो उस समय में, जप करने बैठे तब या कथा करने बहुत कृष्ण सामने बैठे कुछ और नहीं। मान लीजिए अभी कोई गेस्ट है, आप उसको बुलाए और उसको घर में बिठा के अब लगे दुनिया के अपने अपना अपना काम काज में लग गए, उसको कैसा लगेगा, दोबारा आएगा नहीं आएगा। तो कृष्ण को बहुत ही सम्मान के साथ देखो। दूसरा, जब के समय में ध्यान पूर्वक उसको सुनने का प्रयास करो, कुछ और नहीं, बस उसे मोबाइल नहीं। जैसे भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बीट बैग में ये उंगली क्यों बाहर निकाले, पता है आपको, मोबाइल नहीं। ऐसे बदमाश लोग बोलते हैं, इसलिए ये उंगली बाहर है बोलने के लिए, ऐसे कर दो हरे कृष्ण कृष्ण उधर कर दो राम राम, ये उंगली उसी के लिए है, गलत। तो ध्यान पूर्वक उसको सुनना है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मत मांगो उससे, कुछ भी भौतिक चीज मत मांगो, ये तो हमारे लिए बड़ा टफ है, है नहीं। बोले अनन्य भाव, जो भी कार्य करेगा सिर्फ और सिर्फ भक्ति योगा से संबंधित बातें ही करेगा, मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए ही वो कामना करेगा, कुछ और नहीं करेगा। भले कुछ गड़बड़ कर दिया, जब गड़बड़ कर देगा तब भी यदि वो आके माला करने के लिए बैठा, मान लीजिए किसी भक्त गुस्सा रोज ही गुस्सा रोज को डांट दी बहुत अगले तरीके, जब इनका पारा डाउन होगा तो फिर आके बोले भगवान प्लीज मुझे अंदर ये क्रोध कम कर दीजिए प्लीज, हरे कृष्ण, पूरा मुंह नाक सब चिकूड़ देंगे एकदम, ऐसे होगा ना। मांगेगा क्या वो क्रोध कम करने के लिए, यदि मांग रहा है तो क्या मांग रहा है अल्टीमेटली, आप तो पुराने वक्त हो यार, बहुत ही अनर्थ कम करने के लिए यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, आध्यात्मिक मांग रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब सही जा रहा। यदि आप माला करते समय बोले भगवान मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ममता सर ये सब कम हो जाए, मेरे हृदय में सहनशीलता आए क्षमाशीलता आए, ये आध्यात्मिक है। ये भले ही अभी गुस्सा दिखाए बदमाशी कर दी लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में क्या कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं,
ये बोले अनन्य भाव, कुछ भी होगा घूम के वही आएगा। आज्ञा बोल रहे इस प्रकार कदाचार के दृष्ट होने पर उसका साधित ही कहां रहा। ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, इस तरह से यदि कोई एक्ट कर देता है, कोई गुस्सा कर देता है तो साधुगिरी थोड़ी हुआ, ये तो असुरपना है, आसुरी प्रवृत्ति है। तो भगवान इसके उत्तर में क्या दे रहे हैं कि अब भगवान कितने आसक्त है अपने भक्तों से, कौन से भक्तों के से आसक्त हैं, जो अनन्य भाव, ये सब याद रखिएगा। भगवान देखिए कितना सपोर्ट करते हैं, इतना हम नहीं किसी के लिए कर सकते हैं, सोच सकते हैं जितना भगवान अपने भक्तों के बारे में सोच रहे हैं। यदि कोई उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो गया, आप देखिए उसके फेवर में कितना कुछ सुनाएंगे अभी आपको, मैं उसी में सब कुछ सुनाता हूँ एज इट इज, टीका से रिपीट करूंगा। इतनी आसक्ति का भाव स्वभाव प्रकट कर रहे, क्या कर रहे, उसके दुराचारी होने पर भी वो आसक्ति दूर नहीं होती एवं वे उसे भी श्रेष्ठ कर देता हूं, उसे भी मैं श्रेष्ठ कर देता हूं। भगवान बोल रहे कितना भी दुराचारी हो जाए लेकिन मैं उसको, उससे जो मेरी आसक्ति है या मेरे से जो उसके हृदय में आसक्ति है उसको मैं खत्म नहीं होने देता। जैसे किसी माता पिता का बच्चा कितना भी बदमाश क्यों ना हो जाए लेकिन वो आगे किसको बोलता है, मम्मी पापा, उसी को बोलता है। तो बच्चा कितना ही बदमाश हो, पापा थोड़ी देर के लिए तो आग ऊपर नीचे कर भी लेंगे लेकिन मैया को जाकर बोल के दिखाए विश्वास ही नहीं करेगी। बोली मेरा बेटा गाय के दूध से, गाय के मूत्र से, गोबर से, चरण धूली से, सबसे धुला हुआ है, सही बोल रहा हूँ भैया, कितना भी नालायक क्यों ना हो जाए उसका बेटा। ये एग्जाम्पल के लिए भैया, तो प्रभु जी सभी करते हैं ऐसा नहीं है, इन माताओं में ज्यादा होता है। क्या बोल रहे हैं कि वो, क्योंकि उससे मैं आसक्त हूं क्योंकि मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है और उसका आचरण कैसा है, सुदुराचार। अब सुदुराचार का मतलब क्या है, जैसे इसमें बात आ रहा है कि अपिचेत सुदुराचार। अब सुदुराचार का मतलब क्या है, दुराचार मतलब अत्यंत, दुराचार मतलब गलत काम, सु लगा दिया मतलब बहुत अत्यंत घृणित कार्य। अब कितने प्रकार के घृणित कार्य होते हैं, इसका जो हेडलाइन होगा एक घृणित कार्य का तीन है, तीन मेन है हेड और उसके नीचे सब हेड और ये सब जितने भी हैं सब बनते चले जाएंगे। अब तीन हेड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे, सुनना चाहेंगे। पहला है परहिंसा, परहिंसा मतलब दूसरे को कष्ट देना, मनसा वाचा करना, जेन केन प्रकार है, कैसे भी करके किसी को आघात पहुंचाना। दूसरा है परदार, पर स्त्री का भोग करना, उसके ऊपर कुदृष्टि डालना, परदार, शूद्राचार का ये विस्तार है। तीसरा परद्रव्य दिके, दूसरे के धन को क्या बोलते हैं उसको, हड़पने का प्रयास करना या चोरी करना या जैसे भी है। ये तीन हेडलाइन है, कौन कौन से, परहिंसा, दूसरा परदा, तीसरा परदर्भ, ये तीन मेन हेडलाइन है। इसी के अंदर में और जितना आप ऐड कर सकते कर दीजिए, संसार के जितने भी गड़बड़ कार्य सब इसी तीनों में आता है, सुदुराचार। तो भगवान बता रहे हैं कि इन तीनों कैटेगरी में से जितना भी इसको आप बना सकते हो, डिटेल कर लो, वो यदि कर भी लेता है लेकिन ये परायण होकर भी यदि मेरा भजन करता है तो वो साधु ही है। तो देखिए भगवान कितने दयालु हैं, बोल रहे हैं इतना, ये तीनों कैटेगरी में से सारे गड़बड़ कार्य कर रहा है वो इस संसार का, फिर भी यदि वो भक्त है, भक्त मेरी भक्ति कर रहा है तो साधु है। याद रहेगा पक्का, बाद में पूछूंगा मैं कि मैं ये क्यों चर्चा कर रहा हूं, कुछ होगा जो जीतेंगे उनके लिए स्पेशल मिठाई है एकादशी वाला। सजनर प्रभु मुझे गाड़ी से उतरते बोल देते मुझे कुछ भी क्विज करेंगे स्पेशल मिठाई मैंने रखा है। हाँ वह किस प्रकार भजनवान होना चाहिए, कोई पूछता है अच्छा तो इसको मैं कैसे मानूं, यदि वो
सारे ये तीन जो हेडलाइन आपने बताया सुदुराचार का, इतना करने के बाद बावजूद भी आप उसको बोल रहे, यदि वो आपके भजन कर रहा है, आपकी भक्ति कर रहा है, आपकी सेवा में लगा है, नाम जप कर रहा है, मंदिर में आकर सेवा कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, भगवद गीता क्लास अटेंड कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, उसको भक्त मान ले जबकि बाहर कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है उसके लिए। इसलिए प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत जरूरी है, लास्ट में बहुत सुंदर बोले हैं, लास्ट में आएंगे उस पर। भगवान उसके बारे में क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जैसे इस श्लोक में मंतव्य साधु ने मंतव्य और मंतव्य के बारे में बता रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं कि मंतव्य अर्थात उस साधु को उसे साधु ही समझना होगा। मंतव्य क्यों? क्योंकि इस शब्द से विधि नियम सूचित होती है, यदि ऐसा ना माना जाए तो उसे दोष होगा, इस विषय में मेरा आदेश ही प्रमाण है। अब भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि अनन्य भाव अपिचेत सो दुराचारो, जो अत्यंत घृणित कार्य कर रहा है, दुराचार कितने प्रकार का दुराचार वो भी हमने चर्चा किया, भजते अनन्य भाव, दुराचार करने के बावजूद भी यदि वो अनन्य भाव से किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ना हनुमान जी, ना दुर्गा जी, ना शिव जी, किसी पे भी नहीं, ना शनि देव, ना साईं बाबा, पता नहीं साईं बाबा कहां से पीछे आ गए, समझ में नहीं आ रहा, इतना भी यदि वो कर रहा है तो साधु रेव, ऐसे साधु को, ऐसे ऐसे लोगों को साधु ही मानो, मनसा मंतव्य, ये मेरा मानना है, ये मेरा आदेश है, पूरा मतलब विटो बाबा लगा रहे हैं, अथॉरिटी दिखा रहे, मैं बोल रहा हूं ना उसको साधु मानो तो मान लो। आगे एक शब्द का और विश्लेषण करने के बाद फिर थोड़ा सा दूसरे तरीके का चर्चा करेंगे, उसको ये मेरा आदेश है, इसको आदेश प्रमाण है, मैंने बोल दिया कि मंतव्य मेरा मत विचार है, मेरा मत है, तो उसको साधु मानो भले ही कुछ गड़बड़ कर रहा हो। आगे क्या बोल रहे, यदि कहा जाए कि वह व्यक्ति आपका भजन करता है और दुराचारी भी है, अतः उसे अंशतः असाधु मानना चाहिए, ठीक 100% नहीं मान सकते साधु, क्योंकि हार्ट अलाउ नहीं कर रहा मेरा, मेरी जो बुद्धि है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा ज्यादा समझदार हूँ, भगवान को बोल रहे आपसे मैं ज्यादा समझदार हूँ, आप तो देख नहीं रहे, आप तो वात्सल्य भाव में, आपको उम्र है, भक्त वत्सल है, उसकी जो भी कमी है उसको मिटा कर बोल रहे साधु है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ भी कर रहा है, थोड़ा अच्छा भी कर रहा है, तो असाधु आधा आधा मान लेते हैं कि आधा साधु है। भगवान क्या बोलते, सुनिए, भगवान बोल रहे एवा, पूर्ण अंश में उसे साधु मानना होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये भगवान बोल रहे पूर्ण अंश में उसको साधु मानना होगा, कभी भी उसका असाधुत्व नहीं देखना होगा, क्योंकि वह सम्यक व्यवस्थिता ही सहा। इसमें बता रहे हैं कि पूर्णतया संकल्प वाला, सम्यक मतलब पूर्णतया, व्यवस्थिता मतलब वाला, निश्चित किया हुआ है वो, क्यों क्या निश्चित किया हुआ है कि वो अपने पापों से भले ही नरक अथवा पशु पक्षी योनियों में चला जाए किंतु एकांत की कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ता है। भक्त कितना भी गड़बड़ कर ले, लेकिन वो कभी ये नहीं भगवान से बोलता है, मान लीजिए हम सब भक्ति कर रहे हैं, अपराध तो करते ही हैं, भक्ति ज्यादा अपराध करते हैं, बोले ये इतना गारंटी के साथ कैसे बोल सकता है, क्योंकि बस रंग रूप जगह स्थान ये सब चेंज है, बुद्धि वही है, गाजियाबाद में या सायाबाद में या कहीं भी, हमें अंदाजा है कम या ज्यादा, भक्ति कम अपराध ज्यादा होता है भक्तों के बीच, हम सिर्फ और सिर्फ भक्तों के अंदर कमियां ढूंढते हैं, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, वैसे आप में से कितने लोग इस बात को एक्सपीरियंस किए होंगे, ऑनेस्टली आप लोग रिस्पॉन्स करिएगा, आपने देखा कि दो भक्त बैठा है कहीं पे और सिर्फ कृष्ण कथा कर रहा है, किसी ने एक्सपीरियंस किया है कभी, हाय रे दुर्भाग्य, किसी के जन्मोत्सव में जब बोला जाता है कि तेरा गुणगान करे तो समझ उसके लिए बहुत बड़ा बोझ डालते हैं उसके सिर पे, बदले में ग्लोरिफिकेशन जो करने के लिए होता है तो नहीं अंदर में, अब ग्लोरी मन में तो चलता है इसका गुणगान,
ये इतना बदमाश आदमी दुष्ट है, उसका कामकारी कामी क्रोधी सब बोलना, लेकिन अब क्या करे, सबके बीच में बोलने के लिए बोलो तो चार शब्द बोलना पड़ता है, मजबूरी। हम में से यहाँ पे कितने लोग होंगे, 100-150 होंगे, चलिए जो भी है 200-100 लेके चलते हैं। 200 में से किसी ने भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि कभी वो देखे दो भक्त बैठे कहीं पे और सिर्फ कृष्ण कथा कर रहे, ये अपने आप में महाप्रमाण है कि हम भक्त के बीच में रहते भी भक्त संकल्प लाभ नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि इस किताब को पढ़ते नहीं, इस श्लोकों को पढ़ते ही नहीं। जब इसको हम पढ़ेंगे तो वो दिमाग में चलता रहेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम डील करेंगे डिवोटीज के साथ, तब वो एकता होगी, तब उस प्रेम का रसास्वादन कर पाएंगे। आर्टिफिशियल ऊपर ऊपर से नहीं, सामने आ रहे प्रभु जी आप महान, माता जी अरे माता जी तो ऐसी गाय है माता जी, पति जी बहुत अच्छी है, ऐसी करती है वैसी बोलती है, ये करती है वो करती है, देखो फूल माला बनाने के लिए कैसे बनाती है, मैं बनाती हूँ, देखो ठाकुर जी को बनाती, ठाकुर जी से मुस्कुराते हैं ये बनाती है, तो भगवान के पास जाती है, लग रहा है अंदर की बात बाहर आ रही है। अब प्रभु जी सभी तो ऐसे ही है, वो भी कम नहीं है, ये क्या मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा नहीं बोलूंगा प्रसाद नहीं मिलेगा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो संकल्पित रहता है, कौन, जो मेरा उपासक है, भले ही उसे कुछ गड़बड़ हो भी गया तो भक्त क्या कहता है कि आप भले ही मुझे नर्क में स्थान दीजिए या स्वर्ग में दीजिए या वैकुंठ में दीजिए, कहीं भी दीजिए, कीड़े मकोड़े में दीजिए जन्म या मनुष्य में जन्म दीजिए, आप ऐसी जगह मुझे जन्म दीजिए जहां पे आपके भक्त का संग मिले ताकि मैं आपकी सेवा में या भक्ति में लगा रहूं। ये ताली है भक्ति विनोद ठाकुर के लिए, मेरा लाइन नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर का लाइन है, भजन है, उस भजन भक्ति विनोद ठाकुर का, कहीं भी आप जन्म दीजिए, किसी भी योनि में दीजिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपकी भक्ति बनी रहे, इसलिए भगवान बोले कि उसको साधु ही मानो, ये मेरा आदेश है, क्योंकि मैं उसको साधु मान रहा हूं भले ही गड़बड़ कर रहे। कितने लोग इस बात को याद रखेंगे इस क्लास के बाद अपने जिंदगी में, सचिन प्रभु फोटो खींचिएगा, सीसीटीवी, अच्छा हाँ सीसीटीवी रिकॉर्ड है, बाद में इसका प्रूफ स्क्रीनशॉट में लेके, जब कोई गड़बड़ करने आया ना, आप ही है ना माता जी या प्रभु जी, सर्कल बना के दिखाने का, हाथ उठाई थी, ये तो खैर, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो सच में चाहते हैं भगवत धाम जाना, पक्का इस श्लोक को याद रखिएगा इसके तात्पर्य के साथ, गारंटी आप लोग निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, साक्षात माया देवी भी नहीं रोक पाएगी, माया घुसती कब है, माया अटैक करती कब है, या कैसे करती है, ऐसे करती है भक्तों को भक्त रूप में ना देखने देती, भक्तों के अंदर कमियां दिखाने शुरू कर देती है, समझे समझ, जिस मोमेंट अप्रोच हो जाने, जिस मोमेंट में आपको भक्तों के अंदर कमियां दिखना शुरू हो गया, अब दिमाग में भी घूमना शुरू हो गया, समझ जाओ विकेट गिरने वाले, तब ये श्लोक याद रखिएगा कि 9.30 नौवें अध्याय का 30वां नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरा मत है उसको साधु मानो, उसको भक्त मानो, वो गड़बड़ कर रहा है तो उसको देखने के लिए मैं बैठा हूं, तुम क्यों चाचा चौधरी बन रहे हो, सारी जिम्मेदारी हम क्यों लेके बैठ रहे हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है अपना पूरा करे, मेरी जिम्मेदारी है कि माला पे फोकस करना, भक्तों के अंदर गुण देखना और उस गुण के ऊपर मेडिटेट करके उस गुण को अपने अंदर डेवलप करना, समझ आ रहा है, यदि ये भाव होगा तो बहुत जल्दी मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और फुल फ्लेज टेंपल बन जाएगा, यदि प्रोसेस स्लो है तो ये स्लो जगन्नाथ जी जान बुझ के स्लो कर रहे हैं, मैं सबको भक्त मान रहा हूं, मैं साधु मान रहा हूं, जिसको मैं साधु मान रहा हूं ये लोग उसको साधु नहीं मान,
कितनी दुख की बात है। भगवान का जो प्रिय है वो आपका अप्रिय है, कहां से आप भगवान को खुश कर पाएंगे? कभी कर पाएंगे? संभव है? नहीं संभव है। आगे अब शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं, अभी मेरे पास है 10 मिनट में देता हूं। भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरा ये मत है कि वो साधु है? ऐसा कोई बोल सकता कि इतना गड़बड़ी करने के बाद भी उसको साधु क्यों माना जाए? शुद्ध भक्ति के द्वारा मेरे नियंत्रित हो जाने का गुण मेरा स्वभाव ही है और मेरे द्वारा कभी भी त्याज्य नहीं है। यदि कोई इस भाव को मेंटेन करता है कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे कार्य करना, भले मेरे अनर्थ के कारण कुछ गड़बड़ हो भी रहा है तो भी प्रयास करूंगा इससे बाहर निकलने का, क्योंकि आपको खुश करने का, जैसे ये भाव आया भगवान उसे कंट्रोल। साधु ग्रसती हृदय, हृदय में कैद हो जाएंगे भगवान, कैद बंद नहीं। बंद में थोड़ा फ्रीडम होता है, रूम बड़ा होगा, लेटरिन बाथरूम सब कुछ होगा, बंद जैसे नेता लोग जब नहीं चल रहा है, नेता लोग जब जेल में जाते हैं तो वो कैद है, सॉरी वो बंद है। कैद मतलब उसको 6x3 भी नहीं देगा, उसको 4x2 दे देगा या 2 दे देगा, उसमें मरते रहो, पैर भी नहीं चला सकता। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऐसे भक्तों के हृदय में कैद हो जाता हूँ। कौन से भक्तों के हृदय में? कौन से भक्तों के हृदय में? भक्तेर भक्त जनप्रिय। क्यों बोल रहे भगवान भक्ते भक्त जनप्रिय? साधु ग्रसति हृदये भक्ते भक्त जनप्रिय। कौन से साधु हृदय में ग्रसित हैं? जो मेरे भक्त का प्रियजन है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसे कब्जे में है, कंट्रोल में। इस बात को याद रखना है। भगवान अपनी पूर्वोक्ति को और पुष्ट करने के लिए एक श्लोक में कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त के प्रति भी आकर्षित होता हूं जिससे जुगुप्सित कर्म भी क्यों न हो जाते हो। यदि मेरा अनन्य भक्ति अनन्य भक्त मेरी पूजा करता है, गुप्सुप्ति मतलब गुप्सुप्ति मतलब छुप छुपा के, कई बार भक्त मुझे कोई देख नहीं है, कर लो कर्म, क्या दिक्कत है, चार नियम टूट रहे टूटने दो, भक्तों की बुराई करनी है होने दो। कौन से भक्त के लिए किसी अभक्त को नए आदमी को भड़का रहा हूं, तुम उससे बात कौन देख रहा है? ऊपर वाले सब देख रहे हैं। 13 सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं हमेशा 24 घंटे। आप सोते जागते उठते बैठते रूम के अंदर या बाथरूम के अंदर कहीं भी बंद हो जाइए, आपको एक कैमरा तो हमेशा देख रहा है। कौन? परमात्मा अंदर बैठे हुए, क्रियाकलाप जो सोच रहे उसको भी देख रहे हैं। सब नोट हो रहा है, सब नोट हो रहा है। चित्र बुद्धि सब उनको बहुत तगड़ा कम्युनिकेशन है दोनों में। चित्रगुप्त को भेजते ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, हाँ अच्छा। भगवान बोले छुप छुपा के भी यदि गलती से कुछ कर दिया, मान लेते कई बार जाने में कर लेता है, कई बार अनजाने में भी कुछ गड़बड़ कर दिया तो भी वो मेरा प्रिय है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो मेरी भक्ति में लगा हुआ, मेरी सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि इस प्रोसेस इतना अच्छा है मेरी सेवा का, मेरी भक्ति का, कि वो एक दिन उसका हृदय साफ हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे थे। दो तरीके के कार्य, एक कार्य जो देह सुख के लिए जिसको बद बोला गया है, दो तरीके के कार्य हर जीवात्मा करता है, एक देह सुख के लिए कार्य करता है, दूसरा परलोक सुधारने के लिए, अगला जिंदगी सुधारने के लिए। तो कौन सा कार्य करना है? आध्यात्मिक वाला। ये जो चीजें हो रही है, कमी देखना, क्रिटिसाइज करना, ये सारे के सारे देहात बुद्धि की बातें हैं, आप इस संसार में फंसना चाहते हैं। गुणों को देखना, उसके एक गुण को हजार गुण के बराबर व्याख्यान करना, यह आध्यात्मिक गुण है, यह आध्यात्मिक प्रगति होगी। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं? कैसे वो मेरे शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है? सिर्फ लेक्चर देखे नहीं, बता रहे हैं कीर्तन और अन्य क्रियाओं द्वारा वो मेरी सेवा करता है, तो यद्यपि उसे कोई भी कोई बहुत गलत कार्य भी क्यों ना हो जाए, तो
तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। मीन्स आप इस मोमेंट में जुड़ चुके हैं, इसमें कोई भी कार्य कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कि लेक्चर दे रहे हैं, कि किसी को गाइड कर रहे हैं, या माला कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भी करताल बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस वक्त ये इसलिए उसको साधु मानो। तो ऐसा तो सब कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं ना, तो फिर हम एक दूसरे को हीन भाव से क्यों देखते हैं, एक दूसरे के अंदर कमियों को क्यों ढूंढते हैं? आज से कमियां देखनी बंद होनी चाहिए। क्या पक्का? ताली बज जाए। ताली किस बात के लिए बजा है ये भी तो समझ में, किस लिए ताली बजाए? एक सब तो सब ना लगते सब भक्त है भगवान के, प्रियजन है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। दिख रहा है तो उसको क्या करें प्रभु जी? आप आंख बंद कर लीजिए, अंदर से आंख बंद करिए। ये तो बंद नहीं कर सकते आप, अंदर से आंख और कान दोनों को बंद करना पड़ेगा अंदर से। जिसकी जिम्मेदारी है कमी देखना, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। किसको जिम्मेदारी है, किसके पास अधिकार है कि किसी कमी को देख के उसको करेक्ट करना, और किस मूड से करेक्ट करना, क्वालिफिकेशन भी बताया गया, तभी चर्चा करेंगे। मुझे अधिकार नहीं, मैं क्यों देखूं? यदि मुझे देखना है तो कुछ अच्छा क्यों देखूं? क्योंकि भगवान बोले मेरा आदेश समझो, वह मेरी ही पूजा करता है और मेरी ही शरण लेता है, अतः इस दृष्टि से वह अनन्य है, वह मुझको ही परम लक्ष्य और प्रभु मानता है। इसमें एक और शब्द आया है साधु रेव, उसके बारे में क्या बता रहे हैं? साधु रेवा में एव का अर्थ यह है कि हर परिस्थिति में वह साधु ही है। एवा ही शब्द लगा दें, साधु है नहीं, ही साधु ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। साधु है मतलब साधु है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन साधु ही है, साधु के अलावा कुछ है ही नहीं। सोचिए भगवान कितने आसक्त हैं अपने, हर परिस्थिति में वह साधु ही है। इसलिए हर किसी को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। आप लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है? कौन सा तथ्य स्वीकार करने को तैयार है? साधु ही है। कौन? मुझे छोड़ के सब, यानी मैं ही साधु ही हूं। मैं साधु ही हूं नहीं, मुझे छोड़ के सब साधु ही है। त्रिना दिखाई ना कबे निज मानी, सही सुनता गुण हृदय के अनु, सकले मान दो अपनी अमानी। मामूली बात नहीं है सर, दूसरे को सम्मान देना और अपने अपमान के लिए, सम्मान के लिए सोचना नहीं, अपमान भी चलेगा। आसान काम है आसान काम, लेकिन करना पड़ेगा भगवान का आदेश है। मेरा मत है ही साधु ही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो होने दो, मुझे नहीं देखना है। नरसिंह पुराण से इसको कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ही कमेंट्री से प्रभुपाद जी देते हैं। यह स्वयं भगवान की आज्ञा है और ऐसा नहीं करना एक सेम शब्द का अपराध है। अब सोचिए क्या कर रहे हैं, 5 मिनट और ले लूं। भगवान फिर कारण बताते हैं। अब कोई बोल देगा कि इतना क्यों जोर जबरदस्ती है प्रभु, ये अत्याचार है, जबरदस्ती का थोप रहे हैं, डरा भी नहीं अपराध बोल के। कोई बोल सकता है? बोल नहीं सकता कि बदमाश को आप इतना हवा दे रहे हैं उसको, इसका मतलब बाबा जी बन जाओ, लाल कपड़ा पहन लो, हेड से करो जितना उत्पात मचाना है मचाओ, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो बाबा जी बहुत सुंदर लास्ट में बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदत ही बन जाए। बाबा जी लास्ट में बता रहे हैं, अब भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान कारण बताते हैं।
कि ऐसे भक्त को साधु क्यों मानना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी एकांत की रूप से मुझ में ही निष्ठा है, उसकी और कहीं निष्ठा है नहीं। अनर्थ के कारण वो गड़बड़ कर रहा है, अनर्थ के कारण उसे गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन उसकी निष्ठा कहां है? मेरे में। क्योंकि निष्ठा मेरे में है इसलिए वो क्या है? साधु ही है। आप इसको नरसिंह पुराण से जो प्रभुपाद जी कोट किए हैं उस कोट में यही बता रहे हैं कि मुझे ही परम लक्ष्य और प्रभु मानता है। जिस व्यक्ति की भगवान हरि में अनन्य भक्ति है वो यद्यपि उसमें भारी दोष भी क्यों ना हो फिर भी वो महान है। जैसे कैसे महान है? क्या एनालॉजी दिए थे प्रभुपाद जी तात्पर्य में? जैसे चंद्रमा का देखते खरगोश का दाग है, तो क्या चंद्रमा का जो प्रभाव है जो उसकी आभा है जो उसकी क्वालिटी है उसमें कमी आया? दाग मतलब कुछ गड़बड़ कर लिया उसने, हो गया उससे, लेकिन उसकी जो वैष्णवता है, वैष्णवता मतलब वैष्णवता मतलब निष्ठा, कृष्ण में निष्ठा। वैष्णव मतलब जो एक निष्ठ है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के चरणों में जिसकी निष्ठा एक निष्ठ हो चुकी है वो वैष्णव है, वो साधु है। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा पे यदि खरगोश का एक चिन्ह दिखता भी है ना, खरगोश उसे बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, उसी प्रकार से यदि कुछ ऊपर नीचे दिख भी रहा है तो भी वो साधु ही है। क्यों? क्योंकि उसकी निष्ठा जो है किसमें है? अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा कि भैया ये साधु ही है। समझ आ गया? तो मैं ये चर्चा क्यों कर रहा था अचानक से, क्योंकि मैं कहीं पढ़ा था तो मैंने कुछ नोट्स रखे थे, सोचा अभी बात करते करते इसी को मैं रिपीट करूं, मेरा कीर्तनम हो जाएगा मुझे याद हो जाएगा। तो ये चर्चा करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था, हम सब यहाँ पे आए भक्ति करने के लिए। यस सर, नो यस। भक्ति का मतलब है कि कृष्ण को अपने प्रेम में, अपने प्रेम से उसको अट्रैक्ट करना है। लेकिन कृष्ण अट्रैक्ट कब होंगे आपके प्रेम में? जब वो प्रेम आपका सबके लिए होगा बराबर। और प्रेम कब बराबर होगा? जब आप सब या हम सब, हम एक दूसरे को उस दृष्टि से देखेंगे कितने महान हैं। वो सम्मान आएगा तब जब हम अपने से महान समझेंगे सामने वाले को। इसलिए मैं ही साधु हूं नहीं, मुझे छोड़ के सब साधु ही है, ये बात याद रखना है। किसी के अंदर कुछ दिखता भी है तो उसको इग्नोर करिए, उसके गुणों को निकालिए और उसके साथ अच्छा संबंध स्थापित करिए, उसको सर्व करके। जितना हम एक दूसरे को सर्व करेंगे मैत्री भाव से, प्रेम से, उतने ही ज्यादा कृष्ण को आप आकर्षित कर पाएंगे अपनी ओर और कृष्ण आपके हृदय में कैद हो जाएंगे। छोटी का टिप्पणी, यस टाइम है बॉस। दो दृष्टि तो हमारे अंदर है और ये पता भी है कि हमको दो दृष्टि नहीं रखनी चाहिए भक्तों के लिए, लेकिन गलती हो गई, भक्ति में पतन हो गया, अब उसका उपचार क्या है वो भी जरूर बताइए, ये मेरे लिए। इसका उपचार यही है कि आगे से कभी नहीं देखना। हाँ ठीक है, बस भगवान खुद ही बोल। और कुछ? और जिस भक्त के अंदर में कभी देखा है उसका गुणगान शुरू कर दीजिए, उनके मुख से हरि कथा सुनिए। फॉल्ट फाइंडिंग क्यों होता है? किसी के अंदर कमी क्यों दिखता है? उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज इज फॉल्स ईगो। मैं इससे ज्यादा समझदार हूं या मैं इससे अच्छा भक्त हूं या मैं इससे अच्छा बोल सकता हूं, मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, जो भी, मैं बकरे की तरह, ये ईगो है, फॉल्स ईगो। उस फॉल्स ईगो के कारण सामने वाले में कमी ढूंढते हैं और ये फॉल्स ईगो कम करता है। यदि ये रिलैक्स कर लिया मैंने या मुझे पता चल गया कि मैं सो एंड सो प्रभु या माता के प्रति मैंने कुछ अपराध की कमी देख के, ये मेरा अहंकार बढ़ गया है। अहंकार तोड़ने का सबसे बेस्ट साधन तरीका है उसका, उसको सर्व करिए, गुणगान करिए और उसको अपने से ऊंचा स्थान बिठाकर उससे सुनिए।
खुद नीचे बैठ के दूसरे मन में आएगा, ये क्या समझाएगा मुझे। ये जब भाव आए तो तुरंत अपने मन को सौ झुका पाए, दुष्ट मन तुम्हें किसे रहो इसमें। अभी क्या नाम है, नरसिंह पुराण से कोट करके प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं और भगवान कृष्ण का श्लोक सामने आ रहा है कि कोई कितना भी गिर गया है, गड़बड़ काम कर दिया है, फिर भी उसको साधु ही मानो, ये मेरा आदेश है, नहीं तो अपराध करोगे। तो मेरे से क्यों अपराध करा रहे, मुझे इस प्रभु जी से सुनने, जब आप सुनेंगे वो ऊंचा बैठ के सुनेंगे, ऊंचा स्थान देना मतलब ये मेरे से सुपीरियर है, सुनेंगे तो धीरे धीरे धीरे। तीन चीजें, गुणगान करना है, सर्व करना है, उनके मुख से हरी कथा सुननी है, खत्म हो जाएगा फॉल्ट फाइंडिंग। सर दोष ये सबके लिए, भगवान किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे, कुछ भी शिक्षा दे रहे हैं। जो भक्त है उसके लिए भी शिक्षा है, जो अभक्त है उसके लिए भी शिक्षा है। आपका दो क्वेश्चन है कि किसके लिए, ये सबके लिए है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोग, आपने उसमें से हल्के से क्वेश्चन पूछा है कि वो भक्त के लिए क्या है जो उन्होंने माला कर रहे थे अभी छोड़ दिए, ये दूसरा पॉइंट है। यदि पहले हमारे बीच में थे, वो माला कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, आज वो हमसे दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि माला भी छोड़ दिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल? नो, वी आर रिस्पॉन्सिबल। आपने मुझे मौका दिया कि मैं सुधरूं, नहीं दिया ना। आप क्या मेरे साथ कभी बैठ के बात की कि आदिकर्ता दास तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, कुछ रवैया चेंज कर रहा है, एज ए फ्रेंड या एज ए सीनियर, एज ए वेलविशर, कभी मैंने बात, आपने बात किया मेरे से? नहीं किया ना, मीन्स मुझे आपने मौका नहीं दिया, मैं तो गिरा हुआ हूँ, माया के चंगुल में हूँ, मैं माया के दांतों के बीच फिस रहा हूँ मैं, आप मेरे साथ क्या किए? यदि कोई भक्त आया है और वो डगमगा रहा है, वो चला गया डगमगाते डगमगाते गिर गया, संग छूट गया, भक्ति छूट गई, वी आर रिस्पॉन्सिबल। इसको उल्टी आ रही है, इसको उल्टी आ रही है, इसको संभाले बच्चे को, रास्ता देते, समझ रहे हैं? समझ आ रहे हैं? दूर कुदृष्टि या दोष दृष्टि उसने डेवलप किया, वो तो हम सब के अंदर है, दोष दृष्टि किसके अंदर नहीं है। कोई ईमानदारी से आप उठा के बोले कि नहीं मेरे अंदर ऐसी भावना में किसी के अंदर कमी नहीं रहता, सिर्फ कौन देखता, कोई एक हो मेरे अंदर तो नहीं है, ऐसे भी मेरी सेवा ऐसी है, मुझे तो जानबूझ के निकालना पड़ता है कमी, ताकि चीजों को ठीक किया जाए। सही बोल रहा हूँ सचिन, बिल्कुल मेरे दुख को ये जानते होंगे। तो खैर उसके पीछे ट्रेनिंग है, किस मूड से कैसे करने, डिफरेंट चीजें। यदि किसी के अंदर ऐसा कुछ आ रहा और आपको लग रहा है कि वो साइड हो रहा है, एक ही दिन में साइड नहीं होता है। कोई भी भक्त यदि समाज से बाहर जा रहा है तो एक ही दिन में नहीं गायब होगा, वो अपना लक्षण कर्म दिखाना शुरू करेगा, ये जाने वाला है, ये जाने वाला है। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी हैं, आश्रम में कोई भक्त का यदि आश्रम चेंज करने का प्लान होगा, अचानक से आज से अपन से अपन से बहुत अच्छा 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 अकल बन रहा है, सफेद में नहीं आ जाता है, वो बताना शुरू करता है कि रोज मेरे फैमिली ये प्रॉब्लम कर रही है, वो कर रही है, परेशान हो गया हूँ, मुझे आश्रम में रहने नहीं दे रही है, मुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्या करूँ, कैसे संभालूँ, बताते बताते वो जाता है। कोई भी भक्त एक दिन में नहीं जाता है, हमेशा याद रखें गुरु माता जी, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कोई एक आया है उसको पकड़ के कृष्ण के चरणों में लगा देना है। यही तो प्रीचिंग है, यही तो प्रभुपाद जी की, यही सिखा तो रहे हैं पर्पट के माध्यम से, क्लियर है? लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मॉर्निंग में जो मरना में अपराध पढ़े जाते हैं उसमें भी पॉइंट है कि किसी को जबरदस्ती आप मत लेकर के आइए, जबरदस्ती उसको मत, जबरदस्ती मैंने बोला ही इस कॉन्शियस में, वो आया है आपके पास तब तो उसको पकड़िए, वो तो चल के आया है, अब जा रहा है,
प्रभु का पॉइंट था कि जो माला कर रहे थे माला छोड़ दिए, संग छोड़ दिए, ऐसा कैसे हो गया एक दिन में? उसमें तो जबरदस्ती वो तो आए थे, उनको हम संभाल नहीं पा रहे, कमी हमारे अंदर है प्रभु। अगेन मैं लाइन रिपीट करूंगा, सब क्या है साधु ही है मुझे छोड़ के। यदि किसी के अंदर कमी दिख रही है तो मेरे अंदर कमी, उसको संभालो, उसको सर्व करना है। आप प्रेम दें, प्रेम से तो सिंह और बाघ सब आपके कंट्रोल में होता है इंसान के लिए। क्लियर है? लेकिन अगर मेरे को प्रभु के 24 घंटे अगर ध्यान में रहते थे तो शायद माला से ज्यादा काम करेगा। 24 घंटे प्रभु के यदि ध्यान रहते ना, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं चुने शब्द नहीं लगाता, मैं ये कहता हूँ कि आई वांट मीडिएटर हूँ कराने वाला। तो आप एडवांस डिवोटी हैं? आप बहुत एडवांस डिवोटी हैं। आप लिए तो भगवान सब योग से वहां में पूरी कर रहे हैं, है ना? इस पे थोड़ा हेवी डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, कभी समय मिले तो डिस्कशन करेंगे। हां डिस्कस करिएगा, मैं तो नहीं आ पाता हूं, हमारे बॉस यहां पे हैं सचिनंदन प्रेम प्रभु, उनके साथ आप बैठ के डिस्कस करो, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि माला की इंपॉर्टेंस क्या है। और अभी हमारे मन में जो भगवान भगवान चल रहे तो उसके भी क्या फल हमें मिल रहा है, माला क्या फल मिलेगा, अभी हमारी चेतना क्या है, माला के बाद क्या चेतना होगी, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसको हमने सारे क्वेश्चन के आंसर हाँ कहीं भी आप आइए, हम सब मिलकर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे बर्दाश्त करने के लिए। हरे कृष्णा।